हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बिहार के लिए स्पेशल हम सीरीज चला रहे हैं, बिहार ज्ञान यानी बिहार जीके। ठीक है, बिहार से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सामान्य ज्ञान की, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, मतलब प्रश्न के माध्यम से आपको उत्तर भी पता चलता रहेगा और आप परीक्षा में देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनसे रिलेटेड प्रश्न जो हैं, जो वीडियो में आपको मिलेंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। किसी भी एग्जाम के अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार PCS हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, या किसी भी एग्जाम की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। फ्रेंड्स, ये देखिए, आदर्श एकेडमी एजुकेशन चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करनी है तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, www.adarshacademyeducation.com, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां पर भी विजिट करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं इस PDF फाइल का। अगर कोई भी क्वेरी हो, आप यहां पर फीडबैक भी दे सकते हैं, अपना प्रश्न सुझाव भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे दोस्त चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। घंटी का आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। ये दो काम जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि जैसे ही वीडियोज अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये देखिए, उदयन ने की थी। उदयन जो है एक शासक था, उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। द्वितीय प्रश्न कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस जगह पे हुआ था। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तो वो स्थान था तक्षशिला। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो वो भाषा थी प्राकृत। प्राकृत भाषा जो है अशोक के शिलालेख में पाई गई है। मेगास्थनीज के किस पुस्तक से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की एक पुस्तक है या रचना है, जहाँ से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की सारी जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसको मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप को ये सफलता मिली थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला प्रश्न, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने की और किस काल में की थी? तो देखिए, इसकी रचना आर्यभट्ट ने की थी और गुप्त काल में किया गया था इस रचना का निर्माण, या फिर ये रचना लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस गुप्त सम्राट ने हुड़ो को पराजित किया था? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस स्कंद गुप्त ने हुड़ो को पराजित किया था। ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न, कबूलियत या एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शेर शाह ने की थी। ये जो पट्टा प्रथा है, ये खेती वगैरह में पट्टा दिया जाता है, तो उसी के तहत है, शेर शाह सूरी ने इसको शुरू किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे और 1934 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न, किस वर्ष गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे? तो 1939 में ये दंगे हुए थे, कि गौ रक्षा के मुद्दे पर हुआ था। अगला प्रश्न, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये लगभग 5 जिले हैं, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, भागलपुर। यहाँ पर भागलपुर ये नहीं आपका, बस ये 4 जिले यहाँ पर हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से नाम, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? तो भागलपुर है। आगे बढ़ते हैं। कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं? तो कर्मनासा, गंडक और घाघरा, इस समूह की नदियाँ जो हैं ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की जो सीमा है, उस सीमा रेखा को बनाती हैं। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? तो बेगूसराय को जाना जाता है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? तो 1990 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ये गंडक परियोजना जो है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की एक संयुक्त सिंचाई परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो की गई थी 1956 में। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1958 में किया गया। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहां स्थापित किया गया? तो देखिए, 1978 में स्थापित किया गया था और मुजफ्फरपुर में किया गया था।
गोलघर का निर्माण कब कराया था? तो 1786 में गोलघर का निर्माण कराया गया था। आगे बढ़ते हैं, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में हुई थी। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 11 नवंबर को किया जाता है। जो भी मेरे फ्रेंड्स अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न, बिहार में बच्चों को शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु, मतलब बिहार में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो संकल्प अभियान। अगला प्रश्न, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु या देने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई? तो हुनर योजना। ये मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने से संबंधित है। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की थी? तो 5 जून 1974 में की थी। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रा झा को जाता है मिथिला रामायण लिखने का श्रेय। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? तो शारदा सिन्हा को बिहार का कोकिला कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो आपका समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। इसके बहुत सारे पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड होंगे, तो जो भी मेरे दोस्त चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए, घंटी का आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जरूर जुड़ जाइए, ताकि PDF वगैरह सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो, सुझाव हो, आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।